Welcome to Siri's world. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने ईद के लिए कौन से ड्रेसेस लिए हैं। तो वीडियो एंड तक देखनी, और अगर किसी ने मेरा शॉपिंग व्लॉग नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख ले। और चलते हैं वीडियो की तरफ, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और कॉमेंट जरूर करना है। अच्छा जी, तो द फर्स्ट ड्रेस इज फ्रॉम जे डॉट। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मरूनिश रेड कलर, तकरीबन मरूनिश ब्राउन कलर है, ठीक है। और ये इसकी कुछ ओवरऑल लुक है। ये कमीज और शलवार है इसके साथ। डिटेल्स मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है इसकी शलवार। शलवार पे कुछ इस तरह से पांचों पे ये बटन्स और लूप्स लगे हुए हैं, और ये बेल्ट वाली सिंपल शलवार है। ये है इसकी शर्ट की ओवरऑल लुक। दिस ड्रेस इज वेरी प्रिटी। ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं आपको इसकी नेकलाइन दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मेरी चेकलिस्ट में बहुत टाइम से था, मैंने सेव किया हुआ था। खैर, तो ये है जी ड्रेस। ये इस तरह इसके नेकलाइन पे लूप्स लगे हुए हैं। लूप्स नहीं है, टेसल्स लगे हुए हैं, लूप्स के बगैर ही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस पे छोटा छोटा ये सीक्वेंस का वर्क हुआ है और प्रिंट है। और इसके ये बॉक्स स्लीव्स हैं, इधर भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। स्लीव्स इसके मेरे फेवरेट हैं। ये इनके आगे छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं स्लीव्स के आगे, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। और इधर एक बंच लगा हुआ है। अब इसका मैं आपको दामन दिखा देती हूँ। दामन पे भी कुछ इस तरह से, इधर एक बंच है, इधर दोबारा से वही वर्क हुआ है सारा। ओवरऑल बहुत ही प्रिटी ड्रेस है ये, बहुत प्यारा। और ये थ्री पीस ड्रेस है। मैं आपको अब इसकी बैग दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये इसकी बैग है। बैग की लुक कुछ इस तरह से है। ये इधर इसके, पता नहीं अब इसे क्या बोलूं, ये कट्स बने हुए हैं और सेंटर में इसके ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ओवरऑल ये है, और पूरे पे सीक्वेंस है छोटी छोटी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा ओवरऑल जो है फुल एम्ब्रॉयडीड है कुछ इस तरह से, और ये इसके ऊपर सीक्वेंस भी हुई हुई है। साइड इसकी कुछ इस तरह से है, और इसके चारों साइड्स पे टेसल्स लगे हुए हैं। ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। अच्छा जी, तो ओवरऑल ये है फर्स्ट ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड ड्रेस। अच्छा जी, तो सेकंड ये शर्ट है, ये मैंने कराची से बाय की थी। ये फुली हैंडमेड है, लॉन की है, और ये मैंने बाय किया है टेक्सटाइल प्लाजा से। इसकी डिटेल्स मैं अब आपको बारी बारी दिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लें। नेकलाइन ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और सारी ये हैंडमेड है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स के आगे एम्ब्रॉयडरी है, साइड्स पे ये दामन के, और इधर इसके दामन फ्रंट पे ये एम्ब्रॉयडरी है। अब मैं आपको इसकी बैग दिखा देती हूँ। इसकी बैग ओवरऑल नीचे से सिंपल है बिल्कुल, और नेक पे इस तरह बैक पे ना एक ये पंच बना हुआ है, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। इसे मे बी मैं वाइट सलवार के साथ स्टाइल करूंगी। इसके साथ मैंने कोई ट्राउजर या दुपट्टा नहीं लिया अभी। अच्छा जी, तो दिस इज द थर्ड ड्रेस। ये अनारकली ड्रेस है, और ये मुझे गिफ्ट मिली है। इंडिया गई हुई थी मेरी एक आंटी, और वो लेके आई है। ये मामा की फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है। बहुत ही प्रिटी है, और ये फैब्रिक जो है वो है रॉ टाइप है, मैसूरी लॉन टाइप कुछ इस तरह का फैब्रिक है, और इस पे पूरा ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। बहुत ही प्यारी है अनारकली है। इसका फ्लेयर आप देख लें कितना ज़्यादा है, बहुत ही प्रिटी है। ये इसकी नेकलाइन है, ये इसके स्लीव्स हैं, और इस तरह से ओवरऑल इसकी लुक है, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको इसके साथ मैंने जो दुपट्टा लिया है वो दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया है, ये आप देख लें, ये आजकल बड़े ही नुए में है। इसके साथ ये टेसल्स लगे हुए हैं दुपट्टे के, ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। और ये ओवरऑल अच्छा, इसके साथ मैंने कैप्री स्टिच करवाया, वो अभी टेलर के पास है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। चलते हैं अब
लास्ट ड्रेस की तरफ। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ड्रेस, इसमें मेरी जान बसती है, ये मुझे इतना पसंद है। ये मैंने एथनिक से शर्ट ली थी, ये इसकी ओवरऑल लुक है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे ये इस तरह से बटन लगे हुए हैं, और ये इसकी ओवरऑल लुक है शर्ट की। मैं आपको डिटेल्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये इसकी नेकलाइन है और ये स्लीव्स हैं इसकी। साइड पे इसके पॉकेट्स बनी हैं, लाइक डीप पॉकेट्स हैं। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, इधर सारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये बहुत प्यारी है। अगर किसी को मिल रही है अभी तो जाके ले ले, वैसे ये आउट ऑफ स्टॉक शायद हो गई हुई है या ऑनलाइन अवेलेबल होगी। स्टोर में ये लास्ट पीस था जो मैंने लिया। ये इसका दामन है कुछ इस तरह से, बैक साइड इसकी सिंपल प्लेन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ मैंने स्टाइल क्या किया है, कैप्री और दुपट्टा। अच्छा जी, तो ये है इसका कैप्री। कैप्री मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई है टेलर को दे के ये शर्ट साथ, तो उसने ये एम्ब्रॉयडरी किया मिक्स एंड मैच करके, थोड़ा सा कैप्री नजर आएगा। और ये है दुपट्टा। दुपट्टा ये मैंने मैच किया है, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मैच हुआ है, मतलब कुछ ऐसा मैच हुआ है ना बिल्कुल। ये कॉटन नेट का है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, बहुत ही प्रिटी है। और अब ये थी मेरी शॉपिंग, और आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन चारों में से कौन सी ड्रेस सबसे खूबसूरत है जो मुझे ईद के फर्स्ट डे पे पहननी चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।